आज के नौशा मोहम्मद आसिम मुश्तबा का और उनके वालिद मोहतरम एजाजुद्दीन साहब का और उनके दीगर रिश्तेदारों का मैं यहाँ इस्तकबाल करूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू। आई थैंक द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ शाहीन ग्रुप डॉक्टर अब्दुल कदीर सर, माय पेरेंट्स एंड अदर मेंबर्स हु आर प्रेजेंट हियर। आई एम मोहम्मद आसिम मुश्तबा। आई हैव क्वालिफाइड यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2022 एंड आई विल बी इन द ग्रुप ए सिविल सेंट्रल सर्विस एंड द सर्विस एलोकेशन इज बी अवेटेड। सो दिस इज़ माई फोर्थ अटैम्प्ट एंड मेरी एक छोटी सी जर्नी है दैट आई हैव कम्प्लीटेड माई स्कूलिंग फ्रॉम गुरु नानक पब्लिक स्कूल बीदर, देन कम्प्लीटेड माई ट्वेल्थ फ्रॉम श्री चैतन्य जूनियर कलाशाला हैदराबाद एंड देन इंजीनियरिंग फ्रॉम बी केमिकल इंजीनियर BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर and then I did 2 years of job in Jindal and then I started preparing for UPSC civil services and I am alhamdulillah I am an officer today and standing in front of you. Start karne se pehle ek chhota sa sher bolna chahunga main. Manzile unhi ko milti hain जिनके सीने में आग होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिसके सीने में आग होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आई हैव अचीव्ड दिस सक्सेस प्राइमरीली बिकॉज वन इज माय पेरेंट्स सपोर्ट, विदाउट विच इट वाज नियरली इम्पॉसिबल फॉर मी टू achieve this success. Second thing, the very inspiration from which I am able to get into service is, one is our earlier officers such as PC Gaffa sir and Harsh Gupta sir, and then my prime motivation. My prime motivation, which includes IPS Nadeem Bhai and IAS Haris Sumer, they guided me and they have helped me to achieve my dream. Okay, so meri ek suggestion hai that if I am a normal candidate who has been residing in old city just behind the Shaheen College, and if I am able to achieve such a success, then anyone can achieve that. And I want everyone to look into different perspective of achieve career building, and civil services is a one platform where you can work towards building society, developing nation and contributing to larger sections of the society. So meri journey ka ek asool raha hai ki jab bhi main kuch bhi preparation karta hu to that should be targeted enough and then that should be disciplined. So I am assuming that most of the students here are preparing for NEET and engineering. So I would suggest everyone that they should work for dedicatedly. Padhai sirf ye nahi hoti hai ki maine padh liya aur exam mein likh diya and uske baad agle din shaam mein puchu to mujhe yaad nahi hai kya padha maine. Padhai wo hoti hai jo main अभी पढ़ रहा हूँ और अगर 4 साल के बाद मुझे कहीं अप्लाई करना पड़े मेरी एजुकेशन को तो मैं इजीली अप्लाई कर पाऊँ, एंड ऐसा नहीं कि मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या पढ़ के आया हूँ। तो आई सजेस्ट ऑल माय स्टूडेंट्स, ऑल चिल्ड्रन हियर टू स्टडी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव।
आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर मेडिकल कर रहे हैं, वट एवर यू डू इट विथ सिंसियरिटी डेडिकेशन एंड ऑल्सो ट्राई टू डेवलप अ कैरेक्टर। मैंने एक किताब पढ़ा है जेफ कलर के एटीट्यूड इज एवरीथिंग, उसमें बताया गया कि एटीट्यूड इज द विंडो थ्रू विच वन सीज द वर्ल्ड। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है तो आप लोग अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिवली कर सकते हैं, आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां पे आपके पेरेंट्स, आपके वालिदैन, जैसे मेरे वालिदैन हैं आज फ़खर से मेरे साथ बैठे हुए हैं स्टेज पे। आई वांट सबके वालिदैन को यह मौका मिले कि यहां तक बैठें, यहां पे बैठें और ये सक्सेसफुल जो प्राउड मोमेंट को अचीव कर सकें। लास्टली, फेलियर्स भी एक इंसान की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होता है। फेलियर्स के बगैर मुझे नहीं लगता कि सक्सेस का कोई असल मायने होते हैं, क्योंकि हम जब गलती करते हैं, हम जब फेल होते हैं तो ही हम उससे सीखते हैं। तो लास्टली मैं यही बोलूँगा कि गिरते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। इसका मतलब मैं समझाते हुए अपनी टॉक को ख़त्म करता हूँ कि वही लोग अपने अंजाम तक पहुँचते हैं जो मैदान में जम के खड़े रहते हैं और फाइट करते हैं आखिर तक, वो लोग नहीं जो घुटनों के बल चलते हैं और दे डोंट टेक इनिशिएटिव, दे डोंट टेक करेज, दे डोंट डू हार्ड वर्क एंड दे आर नॉट सिंसियर टू देमसेल्फ। सो तीन चीज़ें बताऊँगा, खुद से सिंसियर रहना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप खुद को धोखा दे रहे हैं तो फिर दुनिया में आप चाहे कुछ भी कर लें आप सक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो जो भी कर रहे हैं खुद से सच्चाई के साथ, सिंसियरिटी के साथ आप काम करें। एंड आई थैंक एवरीवन दैट आई एम गिविंग गिवन सच एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हर पेरेंट की जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को, अपने चिल्ड्रंस को हर लेवल पे मोटिवेट करें। अगर वो पास हों, फेल हों, कुछ नंबर कम लें, कुछ नंबर ज़्यादा लें। अब मेरा लड़का दिस इज़ फोर्थ अटैम्प्ट है जिसमें वो सिलेक्ट हो गया, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड थोड़ा डिफिकल्ट था। फर्स्ट अटैम्प्ट तो बिल्कुल जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे, वो कुछ मालूम नहीं हुआ। सेकेंड एंड थर्ड अटैम्प्ट जो था उनका बिल्कुल नैरो मार्जिन, बहुत कम नंबर से नहीं आया था उनका रिज़ल्ट। बहुत अच्छे तरीके से हम, हमारी वाइफ, उनके ब्रदर्स बहुत मोटिवेशन किए, उनको समझाए, और वो भी एक जस्ट लाइक ए रॉक, चट्टान के तरह ठहरने वाला बच्चा है वो, तो वो भी सुन लिया, समझ लिया और उसको एजुकेशन को, पढ़ाई को कंटिन्यू किया वो, जिसके नतीजे में आज UPSC क्लियर कर दे, वो क्लियर करके ऑफिसर बन गए हो। तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, और बच्चों का भी ये काम है कि बच्चे बहुत सिंसियरली, मतलब ओपन हार्ट, किसी प्रेशर के बगैर कि मेरे पेरेंट्स ये करो बोले, वो करो बोले, मुझे करना है, वैसा नहीं। अपने को जिस टारगेट या गोल या किसी चीज़ का जो आप एम रखते हैं उसको ऑनेस्टली करना चाहिए। बस इतना एक दो बात कहते हुए मैं अधीर सर से ये कहता हूँ कि चेयरमैन सर से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। हमारे मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा। देखिए, आप लोग भी इन पॉइंट्स को नोट कीजिए और जो भी मिल रहा है उसमें अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए।